अच्छा, आप देख रहे हैं खबरों की खबर, 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे का यह कार्यक्रम है। आपको पता है इस एक घंटे में आप हैरान हो जाएंगे सुन के, 19 लोग दम तोड़ देंगे सड़क हादसे। अभी तो हमने ट्रेन की बात की, सड़क हादसे की अगर बात करें तो इस एक घंटे में 19 लोगों की जान जा चुकी है रोड एक्सीडेंट। साल भर में यह आंकड़ा 1,66,000 वहां तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा लोग इस साल सड़क हादसों में मारे गए। यह आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, रविश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। मेरठ में तेज रफ्तार एसयूवी ने गुब्बारे वाले को कुचला हो या गलत दिशा से आ रही बाइक सवार को बस ने, आए दिन ऐसी घटनाओं की वजह से देश भर में 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले साल अपनी जान गंवाई। परिवहन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे में 20 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान जा रही है। 2022 में 4,61,312 दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की मौत हुई और 4,43,366 लोग घायल हुए, जबकि 2021 में 4,12,432 दुर्घटनाओं में 1,53,972 लोगों ने जान गंवाई। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 45 साल के बीच होती है। अप्रैल में रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई की डेथ हो गई और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना हॉरिबल इंसिडेंट मेरे घर में हुआ है जिससे कि अभी तक मेरी फैमिली वाला ओवरकम करने नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई को 3 किलोमीटर ड्रैग करके एक्सयूवी पे उसको गिराया गया था। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी एक्ट में बदलाव करने से लेकर सड़क के डिजाइन का ऑडिट तक करवाया। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 50,000 से ज्यादा बाइक सवार लोगों की मौत हुई और उनमें 35,000 वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे। इसी तरीके से 16,000 से ज्यादा कार सवार लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, इनमें से 6,000 से ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके का सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। अब आप समझ सकते हैं कि हम और आप अपनी जान को लेकर कितने गंभीर हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर 300 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं की बारीकी से पड़ताल की है और एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। उनके मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है। मुख्य कारण जो ये है कि जो स्पीडिंग है, जो ओवर स्पीडिंग है हमारे देश में, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसका एक कारण यह है कि क्योंकि जो सड़कों के जो सरफेस हैं वो अब बेटर हो गए हैं तो लोग अब ज़्यादा गति में गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो स्पीड से रिलेटेड जो व्हीकल में जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, गाड़ियों में जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, चाहे वो हमारे कार्स हों चाहे बसेस हों, वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो मिसिंग है ज़्यादातर। और तीसरा जो ये है कि जो रोड फर्नीचर होना चाहिए, जो अगर किसी रोड पे हम 120 पे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो जिस प्रकार का रोड सेफ्टी फर्नीचर होना चाहिए, जैसे कि क्रैश बैरियर, साइनेजेस वगैरह, वो पुरानी सड़कों पे जो है वो अभी तक नहीं आए। हालांकि नई सड़कों पर हम देख रहे हैं कि उसमें उनका इंस्टॉलेशन हुआ है। हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसको लेकर तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन घायलों को वक्त पर इलाज न मिलने से भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, एक कंसर्न और चिंता की बात यह भी है, आप बड़े बड़े हाईवे बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए, लेकिन जब सड़क पे चलने का शऊर ही नहीं होगा लोगों को, बड़े गर्व के साथ लोग बोलते हैं रॉन्ग साइड से आ जाना, जब इस तरीके की बात आप करेंगे और बोलेंगे तो फिर सड़क हादसे होंगे। बहुत चौड़ी सड़क हो जाना विकास का प्रतीक नहीं है, उस पर कानून और नियम का पालन होना ये भी एक विकास का प्रतीक है।